अच्छे लगते हैं मैं, फाइनली लगता है अब जाकर समझ आ रहा है किसको, भाई राम और प्रिया को, कि प्रिया के भाई को दरअसल फंसाने की कोशिश की जा रही है। अब समझ आ ही गया है तो आई एम श्योर कि ये साजिशों का हिस्सा नहीं बनेंगे, इन सेंस साजिशों में फंसेंगे नहीं। भाई बहुत बड़ा कंफ्यूजन है, कुछ समझ में नहीं आ रहा है। एक ही जगह जब अक्षय, शुभम और शुभम का छोटा भाई ये भी पहुँचे, पीछे पीछे राम और प्रिया भी आए, और ये देखिए पुलिस वाले भी आ गए। अरे भाई कोई बताएगा क्या कि आखिर चल क्या रहा है, क्या चल रहा है, सच सच बताओ नहीं तो हम पुलिस को बुलाएंगे। क्या हो रहा है हम बता देंगे तो फिर सस्पेंस कैसे रहेगा। अब देखिए जहाँ तक हमारी समझ है हमें ये लग रहा है कि शुभम और उसके छोटे भाई ने मिलकर अक्षय को फंसाने की साजिश की थी, वो भी किसी लड़की के साथ। और उसके बाद राम और प्रिया को फोन भी कर दिया कि आकर देखिए यहाँ पर अक्षय क्या गोल खिला रहा है। लेकिन भगवान की दया से अक्षय बच गया क्योंकि उसे समझ आ गया कि भाई उसके साथ कुछ गलत होने वाला है। तुम लोग मिलकर मुझे इस लड़की के साथ सेक्स क्या? तुम अपने बहन के पति को फंसाने की कोशिश कर रहे हो, तुम सोच कर रहे थे तुम? एक मिनट, ये लड़की कौन है, आप लोग क्या बोल रहे हो, हमने कुछ नहीं किया है। How do you do that? सस्पेंस हो रहा है, एंजॉय हो रहा है, मस्ती हो रही है, क्या कर रहे हो? हम लोग कुछ करने वाले हैं जो सिड और हमारा प्लान पहले से आप एपिसोड में देख चुके होंगे, तो ऐसा कुछ अक्षय को फंसाने का प्लान है हमारा। कैसे हो तुम लोग यार, तुम्हारी बहन का पति हूँ मैं, बैचलर पार्टी ऑर्गेनाइज कर रहे हैं इसके लिए, और ये समझते हैं भगवान ऐसे साले सबको दे। होटल में जिस लड़की को बुलाया गया था पैसे देकर अक्षय को फंसाने के लिए, उस लड़की ने इस सारी सच्चाई कह दी। अंजलि तुम बताओ, तुमने कहा था ना कि वो बगल वाले रूम में, तो ये हाँ पर ये लोग कौन है, मैं नहीं जानती, ये वो नहीं है। पहली बात तो शुभम और सिड को पहले ही पता कि वो अक्षय को पसंद नहीं करते हैं, वो चाहते ही नहीं कि वो उसकी फैमिली में रहे, तो सीरियस मैटर तो हम लोग करना चाहते हैं। अक्षय बेचारा बिल्कुल सीधा सच्चा अपना शूटिंग करने आया था फिल्म के पोस्टर के लिए, और यहाँ आया तो कुछ और ही उसके साथ हो रहा है, बड़ा सरप्राइज है, उसको समझ ही नहीं आ रहा है, ये बहुत मंजे हुए खिलाड़ी उसके साथ गेम खेल रहे हैं, ये बेचारा बहुत सीधा बकरी सा लड़का है बेचारा। अब जिस लड़की ने यहाँ की सारी सच्चाई बताई उसके हिसाब से तो ये साबित हो गया कि अक्षय को किसी ने फंसाने की साजिश की थी। अब वो साजिश शुभम ने की थी, लेकिन अभी इस सबको इस बात की खबर नहीं हुई। खैर प्रिया ने उस लड़की को खूब सुनाया जिस लड़की ने अक्षय को फंसाने के लिए ऐसा किया। किसने हक दिया तुम्हें ये सब ड्रामा करने का, इतनी घटिया हरकत करने की कोशिश की आपने, मेरा भाई फंस सकता था। थैंक गॉड यहाँ पर शिविना नहीं है, वरना ये बात कितनी बिगड़ जाती। अगर वो कहीं इस सबको गलत समझ लेती तो न जाने अक्षय की जिंदगी का क्या होता। खैर राम और प्रिया के होते फिलहाल तो उनके परिवार के साथ वो कुछ गलत होने देंगे नहीं। अब इतना जरूर है कि राम और प्रिया इस सच्चाई का पता तो लगा कर ही रहेंगे। मुंबई से कैमरामैन इरफान शेख के साथ एबीपी न्यूज रिपोर्ट। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।